तो उनको खोलने का मतलब ये इनके लाला मुनियों के पास जो माल फंसा हुआ है वो तुम्हारे पैसों से वो निकालेंगे। तो इसलिए कोई कहने आए हैं कि किसी को भी एक रुपए की भी नई चीज नहीं खरीदना है और हम ईद को अब की बड़ी सादगी से मनाएंगे। और क्योंकि अपने पैसे को हमें रोकना है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अभी ये कितने दिन और चले, क्योंकि ये 30 जून तक के मामला चल रहा है। 30 जून तक जाने चाहते लोगों को भूखमरी के कगार पे आने की तजवीज़ है। और दूसरी बात, इनकी जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हम तुमको सहूलियत दे रहे हैं, एक हमदर्दी कर रहे हैं कि हम बाजारे मार्केट खोल रहे हैं, ये हमारे लिए हमदर्दी नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में जब हमारे लोग वहाँ जाएंगे, हमारा ही पैसा उनकी जेब में जाएगा और हमारे ऊपर कोरोना और मौत का लक्षण थोप दिया जाएगा और हमको पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है और एक बड़ी तादाद में बदनाम किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी ईद को आपकी सादगी से मनाना है, अपने पैसे को संभाल के रखना है और जितना हो सके एक बनियाई नहीं खरीदी जाएगी। जब तुम्हारी तराबी नहीं हो रही है, तुम्हारी मस्जिदें नहीं खोल रही हैं, तुम कहीं पर देखे नहीं जा रहे हो, तो किस बात की ईद है, किस बात की खुशी है? तो अगर तुम्हारे पास पैसा है, अपने घर के लोगों को रोको, कोई नहीं जाए, अगल बगल उस मदद पहुंचाओ, लेकिन अपने पैसे को रोको और किसी भी तरह का कोई भी इनके बहकावे में ना आ करके कि औरतों को पैसा दे दिया, जाओ मार्केट करके आओ, चप्पल लेके आओ। इस बार ईद नहीं मनाओगे तो कोई मर नहीं जाएगा। अगर सादगी से मनाओगे, पूरी दुनिया के अंदर कहर हमारे ऊपर है, अपने ऊपर बचाने की कोशिश करो। चलो।